अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल लाला एवरी एक्सप्लोरर। तो दोस्तों आज गुजरांवाला में हम एक सेटअप पे आए हैं। माशाल्लाह इनके पास रिंग नेक में येलो रिंग नेक की म्यूटेशन वगैरह और काफ़ी ज़्यादा पेड़ लगे हैं जिनमें इनके पास अच्छी प्रोग्रेस भी आई है, वो भी आपको चेक करवाते हैं। और उसामा भाई हैं हमारे इधर, इनके सेटअप पर आज मौजूद हैं हम, तो इनसे आपकी मुलाकात भी करवाते हैं, एक्सपीरियंस वगैरह इनका जो भी है इस फील्ड में शेयर करवाते हैं और ब्रीडिंग के हवाले से क्या प्रोग्रेस आई है वो आपको चेक करवाते हैं। तो जी दोस्तों, उसामा भाई आ गए हैं, आपकी इनसे बात करवाते हैं और पूछते हैं इनसे कि इनके सेटअप पे क्या क्या म्यूटेशन वगैरह लगी हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई। क्या आप सुनाए मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक के हुक्म से राग के पेड़ लगे हैं कुछ, तो येलो रिंग नेक लगे हैं, उसके बाद रिंग नेक के लगे हैं, ग्रीन रिंग नेक के, अफ्रीकन ग्रे भी हैं, उसके बाद सन कनोर के पेड़ लगे हैं। ठीक है, मेरे पास ये वैरायटी हैं फिलहाल। तो माशाल्लाह इनकी ब्रीड वगैरह आई है आपके पास? ब्रीड मेरे पास आई है अल्हम्दुलिल्लाह, बड़ी अच्छी प्रोग्रेस की आई है। तो इनके चीक वगैरह जो व्यूअर्स किसी को चाहिए तो मिल जाएंगे? जी अल्हम्दुलिल्लाह सबके मिलेंगे। तो चले उसामा भाई, वन बाय वन हमें दिखाइएगा कौन कौन सी ब्रीड आपके पास। जी जरूर दिखाते हैं आपको, आए। चले ठीक हो गया। तो जी उसामा भाई, पहले पेड़ आप कौन सा दिखाएंगे? ये मेरा पेड़ है येलो रिंग नेक का। जी ठीक है, इसकी 4 से 5 बच्चों की एवरेज है, माशाल्लाह 3 क्लास करता है, मेरे घर का फेवरेट पेड़ है ये। ठीक है, अभी भी अले पे बैठा हुआ, इसने एक क्लच कर दिया 4 बच्चों का। ठीक है, उसके बाद ये पेयर है येलो का, ये भी लेंग पे है, इसने बच्चे निकाले हुए हैं अभी बॉक्स के अंदर। हाँ बॉक्स के अंदर है। ठीक है, उसके बाद इसके नीचे लगा हुआ अफ्रीकन ग्रे का एक पेयर लगाया हुआ मैंने, एक साइड पे लगाया हुआ है, ये भी मेरा घर का ब्रीडर पेयर है, ये भी बॉक्स में है। ठीक है, उसके बाद ये भी येलो है। ठीक है, ये भी ले पे अंडों पे बैठा हुआ है, दूसरा क्लच है इसका भी। ठीक है, उसके बाद ये मैंने वैसे म्यूटेशन लगाई हुई है, पेयर बनाया हुआ है, इसका मेल एक्सपायर हो गया था मेरे पास ना येलो का, तो इसका वैसे मैंने रिंग नेक का लगा दिया ग्रीन का पेड़। ठीक है, उसके बाद नीचे भी एक लगा हुआ मेरे पास पेड़ येलो रिंग नेक का, ये भी ले पे अंडे दिए हैं वैसे, सेकंड क्लच चल रहा है इसका। ठीक हो गया। ठीक है, ये भी येलो का है। ठीक है, ये पेड़ ये भी ले पे है, अंडे उतारे हैं वैसे अभी। ठीक है, इसके साथ एक जो नीचे पेड़ लगा वैसे वाइट की माती है। ठीक है, येलो का पेड़ इसमें कॉम्बिनेशन से कौन सा कलर आएगा? येलो ही आएगा। हाँ बिल्कुल येलो ही आएगा, इसका मेल येलो है ना। ठीक है, क्या कहते हैं, फीमेल वाइट है ना, तो मेल इसका येलो है, तो बच्चे इसके येलो ही आएंगे। ठीक है, उसके बाद जी नीचे भी येलो लगा हुआ मेरा पेड़, ये भी ले पे अंडे दिए मैं इसने। ठीक है, उसके बाद अली भाई ये येलो का पेड़ है। ठीक है, इसके मैंने बच्चे उठवाए हैं 2-3 दिन पहले। ठीक है, ये ब्रूडर पेड़ है। हाँ ब्रूडर में मेरे पास पड़े हुए हैं, दिखाते हूँ आपको बच्चे। ये राग है, ये राग है मेरा पेड़ है, इसके बच्चे बॉक्स के अंदर हैं। हाँ दिखाते हैं बिल्कुल आपको, अगर मेरा सारा राग का सेटअप शुरू हो गया। जी जी माशाल्लाह, राग है आपके पास कितने पेयर हैं समय में? मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह के 20 से 22 पेयर हैं, जो माशाल्लाह सारे ब्रीड कर रहे हैं, ब्रीडर पेयर लगाया मैंने, सारे पेयर कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। उसके बाद ये सन कनोर आ गया। ठीक है, ये ब्रीडर पेयर है। तो इन्होंने हाँ क्लच किया हुआ इसने, दूसरे की तैयारी में क्लच की। ठीक हो गया, तो ये सारे ये आपके पास इनके कितने पेयर हैं? कनोर के मेरे पास 4 पेयर हैं अभी, माशाल्लाह 4 पेयर हैं। ठीक हो गया। ठीक ठीक, चले व्यूअर्स आपको दिखाते हैं इन पेयरों की प्रोग्रेस, बॉक्सिंग वगैरह में चेक कराते हैं वगैरह, और इन्होंने जो जो बच्चे वगैरह हैच किए हैं क्वान्टिटी के लिहाज से वो आपको चेक करवाते हैं। जी सामा भाई चेक करवाइएगा। जी सामा भाई, ये रहा का पेयर है, अंडे हैं इसके नीचे, वो अंडे हैं, फर्टाइल अंडे पड़े हैं, इसके बच्चे निकलने वाले हैं 1-2 दिन में। ठीक है, उसके बाद ये नखे हैं, ये भी अंडे हैं, माशाल्लाह ठीक हो गया। अरे 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 अरे, ये भी नखे हैं, ये रंग के बड़ी अच्छी बन रही, 5-5 अंडे दिए हैं इन्होंने, फर्टाइल अंडे हैं माशाल्लाह। उसके बाद ये सन कनोर है, सन कनोर ने ये ब्रीड की, अरे ले किया हुआ इन्होंने, वो देखो सन कनोर इसके अंदर ही है। माशाल्लाह इसने अभी स्टार्ट ही किया है। ये अंडे हैं इसके येलो के,
ये येलो रिंग नेक है माशाल्लाह ठीक है याद है ये भी येलो ही है ये वाइट भी है जो मादी मैंने आपको बताई थी ना ये भी ले कर रही है ये भी अरे अगर ये भी येलो का लगा है फिर ये भी लेप है उसके बाद अरे ये राह का पेड़ है बच्चे निकाले हुए हैं ये रहा क्या इसमें अंडे से मैं बच्चे निकाल लिया हूँ इसके भी निकाले हैं इसके बड़े हैं बड़े हैं इसने ले किया हुआ इसके बच्चे निकलने वाले अंडे फर्टाइल पड़े हैं करें मेरा आप ये भी रहा क्या सारे अल्हम्दुलिल्लाह पेड़ सेकंड कुछ थर्ड क्लास में बैठे हुए हैं मेरे ये देखें ये भी अली भाई माशाल्लाह इसके लिए उतार रहे हैं इसने बच्चे निकाले हैं वो बच्चे पड़े हैं माशाल्लाह ठीक हो गया हरे हरे भाई ग्रे का भी ग्रे का दिखाता हूँ पेड़ ये मेरा फेवरेट पेड़ है ग्रे का माशाल्लाह इसकी ब्रीड वगैरह आई है ये क्लास कर गया तीन बच्चों का ठीक हो बहुत बड़े साइज का पेड़ है अफ्रीकन कांगो ग्रे हाँ अफ्रीकन कांगो ग्रे ठीक हो जी आपके पास आपने मेरे पास तो येलो के डॉग मैंने काफ़ी सेल किए हैं ठीक है अभी मेरे पास जो अवेलेबल हैं कुछ मैंने वीडियो में दिखाए हैं बॉक्स में बच्चे पड़े हैं पेरेंट्स के नीचे कुछ मैंने बस हैंड फिट करवा रहा हूँ बच्चों को मैं आपको दिखाता हूँ वीडियो में अली भाई ये बच्चे हैं ये डॉग है मेरे पास बच्चे पड़े हैं ये कितने हैं 8 से 10 बच्चे हैं तो कितने दिन की एज है 18 से 20 दिन है तो दूसरा ये बताइएगा हैंड फीड कौन सी करवा रहे हैं हैंड फीड मैं करवा रहा हूँ हैगन जी हैगन जी करवा हैगन जी करवा रहा हूँ समा भाई बताइएगा आपने जो बड़े वगैरह रखे हैं इनको सीड वगैरह सीड में क्या क्या दे रहे हैं और साफ फूड में या सब्जियाँ वगैरह जो आप यूज़ करवा रहे हैं क्या क्या करवा रहे हैं मैं दरअसल सुबह इनको करवाता हूँ अंडा ब्रेड ठीक है उसमें आप कोई कौन सा भी ऑयल यूज़ करवा रहे हैं ठीक है और आपका अपना माइंड में जो होते हैं मच्छी तेल के ऑयल होते हैं लोग वो ज़्यादा यूज़ करवाते हैं मैं मच्छी तेल का ऑयल यूज़ करवाता हूँ मैं अपना स्पेशल ऑयल रखा हुआ मैंने ना इनके लिए वो यूज़ करवा रहा हूँ इससे ना एग बॉन्डिंग नहीं होता क्योंकि अक्सर लोग परेशान होते हैं कि 2 अंडे आए हैं 3 अंडे आए हैं उसके बाद इनका ना एग बॉन्ड हो गया मादी एक्सपायर हो गई या मादी ने अंडे उठा मादी अंडों से उठ गया ठीक है 3 अंडे देती है चौथा अंडा इसने उतारना होता ना तो मादी डिस्टर्ब हो जाती है ठीक है उसके बाद जब दोपहर आता है तो 12 बजे के बाद हम इनको देते हैं सब्जियां देते हैं कच्ची सब्जियां उसमें होते हैं गाजर ये दिखाएं वाली भैया उनको और इनके साथ मटर हैं खीरे हैं शलजम है पालक है 4-5 सब्जियां मिक्स करके ना तो उनको खिलाते हैं हम ठीक है फिर 4-5 बजते हैं तो हम उसमें देते हैं डाइट एप्पल डालते हैं आग ऊपर डेली बिला नागा उसके बाद ये डाइट है दाना इनका 2 से 3 दिन बाद चेंज करते रहते हैं ठीक है उसके अलावा मैं अलहमदिल्ला कोई फार्मूला यूज़ नहीं करवा रहा इससे पेयर ब्रीडिंग पेयर से क्या कहते हैं पेयर ख़राब होता है फार्मूले के साथ ना ले आ जाती है फर्टाइलिटी भी आएगी तो मगर पेयर ख़राब होगा ठीक है इसलिए आप देसी खुराकें दें इनको इंशाल्लाह ब्रीड भी आएगी आपके पास तो अच्छी प्रोविंस भी आएगी आपके पास जी भाई अपना रास्ता नंबर वगैरह बता दीजिए अली भाई मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 03-04-15-15-9-27 कुछ बच्चे जिसने भी बच्चा वगैरह लेना हो या पेयर वगैरह मुझसे लेना हो ब्रीडर तो मैं अलहमदिल्ला हाजिर हूँ ऑल टाइम जब मत मुझे कॉल करें ठीक है इंशाल्लाह पेयर भी आपको इंशाल्लाह घंटी वाले उनको धुलवाएंगे तो ब्रीड भी उनके पास आएगी इंशाल्लाह हम याद भी करेंगे
तो व्यूअर्स, उसामा भाई से आपका तारफ करवाया तमाम, आप देख सकते हैं माशाल्लाह इनके शेड पे रॉ के रिंग नेक में वाइट और दूसरे पेयर वगैरह लगे हैं, तो माशाल्लाह ये ब्रीडर सेटअप भी जो है ना, ब्रीडर पेयर वगैरह भी सेल करना चाह रहे हैं, अगर किसी दोस्त को चाहिए तो वो इनसे रब्ता कर सकते हैं, इनको गारंटी के साथ ब्रीडर पेयर भी मिल जाएंगे। और चिक वगैरह भी आपको दिखाए हैं, चिक में जो जो इनके पास अवेलेबल है इस टाइम पर वो मिल जाएंगे, इसके बाद भी मजीद एग वगैरह पेयर दे के बैठे हैं तो वो उनके भी चिक आपको मिल जाएंगे। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी, इसमें मज़ीद जो है आपको कोई चीज़ चाहिए होगी तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो इसी के साथ वीडियो को एंड करते हैं, अल्लाह हाफ़िज़।